नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्यो हेल्प में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजियो एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, एजियो एप्लीकेशन में अगर आप ही अकाउंट बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि किस तरह से एजियो एप्लीकेशन में जो है अकाउंट बनाया जाता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इसी तरह की काम के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है एजियो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ, यह एक ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से दोस्तों आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए बताते हैं किस तरह से आपको अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना नहीं चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप इसको डाउनलोड करते हो, उसके बाद में ओपन करोगे तो आपके सामने यहां पर इस प्रकार का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पे आपको अकाउंट बनाने के लिए यहां पे आपको नीचे आना है, नीचे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा साइड में, तो आपको सिंपली अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको साइन एंड ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर एंटर योर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का। यहाँ से आप दोस्तों अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल के जो है यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, या दोस्तों आप अपने सीधे जो है अपने फेसबुक अकाउंट से भी इसको जो है लिंक कर सकते हैं, या दोस्तों आप जो है अपने गूगल अकाउंट से भी आप उसको जो है ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर से जो है इसमें अकाउंट बना के दिखाता हूं। सबसे पहले आपको अपना नंबर या ईमेल आईडी डाल देनी है, इसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में आपको अपना नाम डालना है जो भी आपका नाम है। चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम जो है डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, कोई भी आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है पासवर्ड बनाने का, तो दोस्तों आपको यहाँ से जो है सिंपली अपना पासवर्ड बनाना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड जो है बना लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम आती है, उनका जो पासवर्ड है एक बार में यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ रहा है 8 अंक का आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जिसमें जो है एक अल्फाबेट मेमोरी होना चाहिए, एक नंबर जो डिजिट होते हैं, अंक 1-2 गिनती इस तरह से बनाना है आपको, और इंग्लिश वाले लेने हैं, और जो स्पेशल करेक्टर वर्ड होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर शो पर क्लिक कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगी किस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने नाम जो है, जो भी आपका नाम है, वो इस तरह से आपको अपने नाम के 2 अक्षर ले लेने हैं। इसके बाद में आपको कोई भी गिनती जो है यहाँ पर 2 बट गिनती के ले लेने हैं। इसके बाद में 2 अक्षर आपको यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट वाले ले लेने हैं, और इसके बाद में जो है आपको कोई भी यहाँ पर अपने नाम के या दोस्तों 1-2 इस तरह से आप जो है कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो, या दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह के यहाँ पे सिंपली इस तरह से बना सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल फंडा, यहाँ पे आपको जैसे कैपिटल में आपने अपने नाम के 2 अक्षर ले लिए, अब आपको स्मॉल में अपने नाम के 2 अक्षर ले लेने हैं, इसके बाद में आपको गिनती ले लेनी है 2, इसके बाद में आपको जो $ इस तरह से आपको जो स्पेशल वर्ड होते हैं आपको इनका यूज़ कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपके नंबर पर एक OTP कोड जाएगा, उस OTP कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है, इसके बाद में आपको स्टार्ट शॉपिंग पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट शॉपिंग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है आपका अकाउंट कंप्लीटली बन जाता है। अब यहाँ पर अगर आप जो है अगले के प्रोसेस जानना चाहते हो, यहाँ पर आपको क्या क्लिक करना है, नीचे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपना यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। तो सबसे पहले आपको अपने एरिया का जो पिन कोड होता है उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है, इसके बाद में आपकी जो सिटी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आपको अपना लोकल, जो आपका लोकल एरिया है, जैसे कि आप सिटी में रहते हो वो आपको आप यहाँ पर डाल देना है, या दोस्तों आपका जो लोकल एरिया है जहाँ आप रहते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना जो लोकल एरिया है उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद में आपको अपना फ्लैट नंबर डाल देना है, जो आपका फ्लैट नंबर या नंबर है ये लैंडमार्क ऑप्शनल है, ये आपका जो आपने एड्रेस डाला है ये आपका
होम का है, ऑफिस का है या अदर का है। इसके बाद में आपको मेक डिफ़ॉल्ट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको सेव एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर सेव एड्रेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है आपका एड्रेस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर कम्प्लीटली जो है अकाउंट बन चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है बहुत ही आसान तरीके से अपने येजू एप्लीकेशन में जो है अकाउंट बना पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है बहुत ही आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर करना नहीं आता है तो उस पर भी आपको जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगी। बहुत ही जल्द मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि येजू एप्लीकेशन में किस तरह से जो है ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, किस तरह से ऑर्डर को जो है ट्रैक किया जाता है, ऑर्डर को कैंसिल कैसे किया जाता है, इसके कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हैं, वो मैं वीडियो बहुत आपको जल्द देखने को मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।